गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम तेज प्रताप झा एंड आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्लास 11 एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर पासिंग क्लास 10th एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड अ न्यू जर्नी ऑफ योर कैरियर। Now, before starting teaching economics and helping you to explore the world of economics, I would like to say something to you. The first thing is, you must think why you have started a journey to get the education. Why you got admission in class 11? There should be one purpose, there should be one motive. और वो जो motive है वो motive आपका होना चाहिए knowledge gain करने के लिए। Education हम लोग इसीलिए नहीं हम लोग लेते हैं ताकि पैसा कमा सके, ताकि earning हो, बल्कि एजुकेशन टीचेस अस, एजुकेशन हेल्प्स अस टू लर्न द लाइफ। एजुकेशन जो है जिंदगी जीने में हम लोग को मदद करता है। और एजुकेशन का जो मोटिव होना चाहिए वो अर्निंग नहीं होना चाहिए कि पैसा कमाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन जो है हम लोग को लाइफ जिंदगी जीने में मदद करता है, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे लिविंग हो, चाहे कुछ भी हो। एवरीवेयर यू फाइंड द यूज ऑफ एजुकेशन, एवरीवेयर यू आर फाइंडिंग एजुकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। एजुकेशन हर एक जगह है। आप कोई बिजनेस करते हैं वहां पे एजुकेशन है, आप जब कुछ कैलकुलेशन करते हैं वहां पे एजुकेशन है। तो यदि आप एजुकेशन सही ढंग से आप पढ़ रहे हैं, सही चीज़ को आप गेन कर रहे हैं नॉलेज के लिए, तो ये आपको हर एक जगह आपके साथ खड़ा रहेगा। और ये जो है एक ऐसा एसेट है जो आपसे कोई लेने वाले नहीं है, ये आपसे कोई छीनने वाला नहीं है, ये आपके पास ही रहेगा। मनी वेल्थ ये आपसे लेने का, लेकिन एजुकेशन आपसे नहीं ले पाएगा। जिसका पर्पस होता है अर्निंग, जो इसलिए पढ़ाई करता है ताकि उसको जो है पैसा कमा सके, तो वो सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है, वो हायर एजुकेशन नहीं कर पाता है। और जिसके पास में ऑलरेडी पैसा है, ऑलरेडी वेल्थ है उसके पास में, तो वो सोचता है कि हम पढ़ के क्या करेंगे, मेरे पास तो पैसा है ही, मेरे पास बिजनेस है ही, तो वो भी नहीं पढ़ पाता। क्योंकि जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एजुकेशन का वो पैसा नहीं, अर्निंग नहीं है। इट इज़ नॉलेज, इट विल हेल्प यू टू लिव अ लाइफ। आप देखते होंगे जो अनएजुकेटेड है वो कितना सारा क्राइम्स करते हैं, तो उसमें जो अनएजुकेटेड जो क्राइम करता है उसके पास समझ नहीं रहता, इसलिए वो कर देता है। यदि वो समझे, यदि वो सब कुछ को जानेगा, सही क्या है गलत क्या है उसको वो समझेगा, तो कभी भी जो है गलत काम वो नहीं करेगा। अंधेरा जो होता है, डार्कनेस जो होता है, उस किसको बोलते हैं हम लोग? जब हम लोग को आगे में कुछ दिखाई नहीं देता हो तो इसका मतलब वहां डार्कनेस है। तो लाइफ में आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके नेबरहुड में, आपके सामने में कुछ घटना हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब आप अंधेरे में, आप डार्कनेस में हैं। और जो पढ़े लिखे होते हैं वो उस चीज़ को देख लेता है। जो आम आदमी को नहीं दिखता है वो एजुकेटेड को दिख जाता है। तो इसका मतलब एजुकेशन जो है डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाता है। डार्कनेस मतलब हो गया जिसको हम लोग अंधविश्वास बोलते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, हमारे सामने में रहते हुए हम लोग उसको नहीं जान पाते हैं, तो उससे आपको लाइट की तरफ ले जाएगा। यानी कि आप जब सोसाइटी को समझने लगेंगे, आप हर एक चीज़ को समझने लगेंगे, आप अलग अलग व्यू से कोई चीज़ को देखेंगे, आपका इस तरह से मेंटल पावर बढ़ेगा कि आप किसी भी चीज़ को डिफरेंट व्यू से देखेंगे, आपका नज़रिया बदलेगा, तो इसका मतलब आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये एजुकेशन ही आपको दे सकता है।
So once again, welcome all of you, and I hope that all of you will take interest in economic subject and you will participate in class. Now, economics is science subject as well as arts. It is social science. It is subject of commerce. So economics कोई एक narrow subject नहीं है, ये जो है broad subject है, या कोई भी subject एक narrow subject नहीं होता है, उसका use भी होता है, कहाँ उसको आप use कर रहे हैं। Economics जो है हर एक जगह है, हम लोग economics से बाहर नहीं हो सकते हैं। हमारा daily life में जो हम लोग घर में जो management किया जाता है, घर में जो manage किया जाता है work को, activities को, जो घर जो चलाया जाता है, वहाँ economics है। आप जब जाते हैं मार्केट जाते हैं तो वहां पे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आपके पास हमेशा रहता है, तो इकोनॉमिक्स आपके पास हमेशा रहता है, तो इसीलिए उसको पढ़ना है, इसको जानना है, इकोनॉमिक्स आखिर में होता क्या है। और ये आप सब जो है एक बहुत ही अच्छा आप लोग को जो है अपॉर्चुनिटी मिला है, मौका मिला है इकोनॉमिक्स पढ़ने का। तो चलिए आज ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, चूँकि आज जो है आपको इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन आपको हम देना चाहते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग। तो कुछ हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में चलिए देखते हैं। नो व्हाट इज इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स ये दोनों अलग अलग चीज है। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को। तो चलिए इकोनॉमी देखते हैं क्या होता है। एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स पीपल द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, या फिर एंड इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट्स। अब प्रोडक्शन क्या होता है, जो सिंपल भाषा में आपको बताया जाए तो आप जानते हैं कि कोई भी गुड्स को जब प्रोड्यूस किया जाता है या कोई सर्विस को जब प्रोड्यूस किया जाता है, आउटपुट आता है, उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन में बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। जो कोई गुड्स प्रोड्यूस होता है तो साथ साथ इनकम भी जनरेट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा ट्रेड, जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में या फिर एक डोमेस्टिक ट्रेड होता है, जो कंट्री के अंदर का ट्रेड होता है। और कंजम्पशन ऑफ गुड्स मतलब जो उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो उसको हम लोग यूज करते हैं, बट डिफरेंट एजेंट्स, जो डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उसके द्वारा, प्रोड्यूसर हो गया, बिजनेस में कंज्यूमर हो गया, ये सब इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। तो इकोनॉमी इसको हम लोग बोलते हैं। व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, जो नेक्स्ट जो हो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने हम यहाँ रखना चाह रहे हैं, वह है व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो आपका जो है डिफरेंट आंसर होगा, जरा सोचिए आप मन में इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। कोई बोल सकता है कि हम पैसा कमाने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई बोल सकता है कि हम सेविंग करने के लिए जो है इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई बोलेगा कि हम एग्जाम पास करने के लिए जो है ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो ये सब हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वी स्टडी इकोनॉमिक्स, बताइए क्या आंसर है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हम लोग का जो चॉइस होता है उसमें जो समस्या होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब चॉइस का प्रॉब्लम जो वो कहाँ से अराइज होता है, तो इट अराइजेज फ्रॉम स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड एंड्स और अल्टरनेट यूजेस। दो चीज से, दो जो सबसे बड़ा समस्या है इकोनॉमिक्स का, जो मेन प्रॉब्लम है वो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्स का अभाव होना, और दूसरा जो है अल्टरनेट यूजेस और अनलिमिटेड एंड्स। मतलब देखिए आपके पास मान लीजिए रिसोर्स जो है
जो लिमिटेड आपके पास इनकम आता होगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड इनकम है, आपके पास जो मंथली इनकम आता है वो फिक्स है, लेकिन जो यूजेज है उस इनकम का वो अनलिमिटेड है, उसका अंत नहीं है। यदि आपको बोल दिया जाए कि आपके पास पैसा कितना पैसा दे दें कि आप लाइफ में जो है सब कुछ फुलफिल कर लीजिएगा, तो आपके पास ये फुलफिल करने का अंत नहीं है, पैसा खर्च करने का अंत नहीं है कि आप मकान खरीदिएगा, कि आप जमीन खरीदिएगा, कि आप कार खरीदिएगा, कि आप क्या खरीदिएगा, इसका अंत नहीं है। लेकिन रिसोर्स का तो अंत है, रिसोर्स तो लिमिटेड है, लिमिटेड है वो, लिमिटेड इनकम है। तो ये जो इसको जो मैनेज किया जाता है घर में, यही मैनेज घर में यही होता है, मैनेजमेंट किया जाता है। आपके घर में मदर्स हैं, पापा हैं, मम्मी पापा जो हैं वो घर को जो चलाते हैं वो क्या है, वो इकोनॉमिक्स का ही जो है पार्ट है, वही है इकोनॉमिक्स, कि एक लिमिटेड इनकम में जो रिसोर्स है उसको किस तरह से यूज किया जा रहा है, कितना एजुकेशन में खर्च किया जा रहा है, कितना जो है खाना के लिए यूज किया जा रहा है, इसी को जो हम लोग सॉल्व करते हैं, वही इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसी प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया जाता है वही हुआ इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड एम्स और अल्टरनेट यूजेज, ये प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स सॉल्व करता है। इसको कौन सॉल्व करता है? इकोनॉमिक्स सॉल्व करता है। अब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. तो limitation of supply, supply का limitation होना मतलब resource का fix रहना, and in relation to demand for a commodity, जो commodity का जो demand जितना है उतना quantity में, उतना proportion में supply का नहीं होना, क्योंकि demand का अंत नहीं है। हम लोग के पास पैसा आते जाएगा तो demand हम लोग का बढ़ते जाएगा, लेकिन जो पैसा है, जो रिसोर्स है, जो गुड सर्विसेज है सोसाइटी में, वो लिमिटेड है। जैसे पेट्रोल आप ले लीजिए, ये लिमिटेड रिसोर्स है, इसका यूज़ देखिए, इसको व्हीकल्स में होता है, आपको इंजन में यूज़ किया जाता है, मशीन्स में यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन्स में यूज़ किया जाता है, बहुत सा उसका यूजेज है। उसके अलावा उसका दूसरा बाय प्रोडक्ट्स भी बनता है। तो वो रिसोर्स क्या हुआ? स्कार्स रिसोर्स हुआ, जिसका कमी है। नेक्स्ट है अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब। इसका मतलब क्या होता है अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज? इट मीन्स डेट अ सोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। मतलब अल्टरनेट यूज का मतलब हुआ कि उस सोर्स को, उस मटेरियल को एक से ज़्यादा तरह से उसको यूज किया जा सकता है, एक से ज़्यादा चीज में उसको यूज किया जा सकता है। व्हेन अ कमोडिटी इज चोजन फॉर वन यूज, अदर वैल्यूएबल यूजेस विल हैव टू बी रिजेक्टेड। इट गिव्स राइज टू प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस। देखिए प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस कैसे अराइज होता है, जब आप कोई एक यूज को आप सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा यूज को आपको रिजेक्ट करना पड़ता है। यदि आप एजुकेशन में, आपके पास ऑप्शन कभी कभी रहता है कि हम पढ़ाई करें या फिर मौज मस्ती करें, पैसा किस में खर्च करें। यदि आप पैसा जो है मौज मस्ती में खर्च कर देना चाहते हैं तो फिर पढ़ाई आप नहीं कर पाइएगा, वो आपसे छूट जाता है, आपके हाथ से निकल जाता है। तो जो अल्टरनेट यूज है वहाँ पे कोई चीज़, एक चीज़ को हम लोग को सक्रीफाइस करना पड़ता है, एक से ज़्यादा चीज़ को, और एक चीज़ को गेन करना पड़ता है। तो हम लोग जब गेन के, ऐसा नहीं कि हम लोग सब कुछ में गेन ही करें, सब कुछ हम लोग जो है हासिल कर लेंगे लिमिटेड रिसोर्स से, नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ हम लोग को खोना पड़ता है। तो ये जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज का जो है मतलब आपको समझ में आ गया, कि यही जो है चॉइस का प्रॉब्लम जो है अराइज करता है। हम लोग के पास चॉइस का जो समस्या है कि हम क्या चुने और क्या नहीं चुने, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में भी डाल लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने का जो है मेन रीजन क्या है, कि जो लिमिटेड रिसोर्स है, जो स्कार्स रिसोर्स है, जिसका कमी है, उसका हम लोग बेस्ट यूज करने के लिए, बेस्ट चॉइस को सेलेक्ट करने के लिए कहाँ पे उसको हम यूज करें, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आप सभी बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते समय आप देखेंगे कि जो स्पीड का जो कांटा होता है, सुई होता है, वहाँ पर लिखा रहता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्यों लिखा रहता है? उसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग बाइक को उस स्पीड में चलाएंगे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाएंगे, तो जो पेट्रोल है, जो स्कार्स है, जो लिमिटेड रिसोर्स है, उसका बेस्ट यूज होगा,
मतलब कम खर्च होगा, वो कम से कम पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप दूरी को तय करना चाहते हैं तो वो जो इकोनॉमिक स्पीड आपको दिखा रहा है बाइक में, उसमें आपको बाइक को चलाना पड़ेगा। ज़्यादा स्पीड कर रहे हैं तो पेट्रोल आपका जो है ज़्यादा खर्च होगा। तो इसीलिए इकोनॉमिक क्लास भी होता है ट्रेन में, एरोप्लेन में। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ट्रेन है उसमें सीट लिमिटेड है, इकोनॉमिक जो है वो सीट लिमिटेड है, और उसको उसका बेस्ट यूज हो उसका वही उसको यूज करेगा इकोनॉमिक क्लास का जो उस लायक है, क्योंकि वो लिमिटेड है, सबको नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आप दो चीज़ यहाँ पे समझ गए होंगे कि पहला स्कार्स रिसोर्सेस, दूसरा अल्टरनेट यूजेज अनलिमिटेड डिमांड्स इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वी स्टडी इकोनॉमिक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आज इतना ही, आज यही हम जो है आपको बताने वाले थे। थैंक यू।